हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग। हमने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी 3.4, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। इस बार भी हम 3.4 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसमें कुछ और क्वेश्चन से वो देख रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्कर्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देयर। एक बॉक्स है जिसके अंदर 6 मार्कर है और उनके ऊपर नंबरिंग करी हुई 1 to 6 तक, ठीक है। हर एक मार्कर को अलग अलग नंबरिंग करेंगे 1 to 6 तक, ठीक है। और 6 मार्कर है उस बॉक्स के अंदर। व्हाट हमें क्वेश्चन पूछे हुए इसके बेस पर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्कर विद नंबर 2। हमें एक मार्कर ड्रॉ करनी है, उस बॉक्स से मार्कर निकालनी है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस मार्कर के ऊपर 2 हो, ठीक है। 2 लिखा हुआ मार्कर मिले हमें, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमें क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी को फॉर्मूला रखना है और उसको सोल्व करना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने लिखा था, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना आपको, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जितना कितने इवेंट जो होंगे उसका आउटकम कितना है, ठीक है। यानी जो बॉक्स है, यानी उस बॉक्स में टोटल यानी कितना टोटल पॉसिबल होता है, कोई ना कोई तो कुछ भी आ सकती हेड या टेल, तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो होंगे वो हो जाएंगे 2। और आउटकम कितना होगा, फेवरेबल आउटकम या तो हेड आएगा टेल आएगा, यानी वहाँ पर नंबर होगा 1। तो यहाँ पर भी हमारे पास मार्बल जो रखी उस बॉक्स के अंदर वो 6 मार्बल है और सभी के ऊपर अलग अलग मार्क देंगे। तो ऐसे कितने मार्बल होंगे जिसके ऊपर 2 लिखा होगा, 2 लिखा होगा ओनली 1 मार्बल होगी। तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा हमारे पास, वो होगा 1, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम जो है 1, 2 नंबर की मार्बल उस बॉक्स में सिर्फ 1 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि मार्बल टोटल कितने है उसके अंदर, टोटल मार्बल है 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का 1/6। ऐसी मार्बल जिसके ऊपर 2 मार्क होगा वो 1 है एंड टोटल मार्बल 6 है। इस तरह से सेकंड पूछा होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5। ऐसे मार्कर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जिसके ऊपर 5 मार्क हो। 5 मार्क कितने मार्कर के ऊपर, सिर्फ 1 मार्कर के ऊपर, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम 6। दोनों के आंसर जो होंगे 1/6, 1/6, ठीक है। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को एक बार टॉस किया गया, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी वहां पर। तो इसके लिए क्या करना है, आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हर क्वेश्चन में जरूर सॉल्व करो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको रखना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ आउटकम्स। यहां पर एक कॉइन को एक बार टॉस किया गया, इट मींस कॉइन के ऊपर कितने या तो हेड होता है या टेल होता है, लेकिन दो टोटल पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटी जो है हमारे पास वो है 2, एंड फेवरेबल आउटकम कितना होगा, या तो हेड या फिर टेल, तो दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। यानी कि टेल आने की पॉसिबिलिटी भी 1 है, ठीक है। यानी टेल आने की पॉसिबिलिटी 1/2 है, ठीक है। इसको आप सिंबल में लिख सकते हो, पी एंड टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेटर इज टेकन आउट फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिरर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस लेटर इज ए। हमारे पास एक बैग है जिसमें ये वर्ड है मिरर, इसके वर्ड्स एक बैग में रखे हुए, ठीक है। और आपको उसमें से एक लेटर निकालना है, तो ई आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पर हम फिर से फॉर्मूला रखते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू
फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रखते हैं, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यानी कि हमारे पास जो लेटर टोटल लेटर है हमारे पास से काउंट करने 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल फेवरेबल आउटकम जो है वो हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, वो है 6, हमारे पास लेटर जो है वो 6 है। एंड यहाँ पर हमें ई फाइंड आउट करना है, ई के वहाँ पर दो लेटर है, ठीक है, दो लेटर है, तो फेवरेबल आउटकम जो है हमारे पास वो है 2। ठीक है, जो लेटर आप निकाल रहे हैं उसके नंबर्स कितने हैं उसमें, के अंदर हम ई निकाल रहे हैं उस लेटर के अंदर ई जो है वो 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/6, फेवरेबल आउटकम 2 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम 6। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे पी एंड फाइंड आउट कर रहे हैं ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ई इज इक्वल टू 2/6, 2/6, 2 से कट जाएंगे 1 एंड 3, ये हो जाएगा 1/3, तो ई लेटर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।